सर मैं सब पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को रामायण जितने भी ग्रंथ हैं उसके बारे में पढ़ाएं, उसके बारे में समझाएं, ताकि उसको अपने बारे में पता चले, अपने सनातन के बारे में पता चले। एज अ हिंदू, मैं एक हिंदू हूँ, मेरे को भी ये सब इस एज में आकर पता चल रहा है, जबकि मेरे को ये सब चीज़ें मेरे बचपन से सिखाई जानी चाहिए थी, पढ़ाई जानी चाहिए थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ये मैं नहीं समझ पाई। तो मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को ग्रंथों के बारे में पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाए, ताकि वो अपने सनातन को जाने और उसको आगे बढ़ाए। जदा जदा हि धर्मस्य घ्राणिर्भवति वार्ता, अभ्युद्धानं धर्मस्य तथात्ममानं सुजाम्यहम्। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युद्धानं धर्मस्य, अभ्युद्धानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, तदात्मानं सजाम्यहम्। सर मुझे लगभग लगभग 1 साल हो गया गुरुकुल में आते हुए, और मैं यहाँ पे गीता भी पढ़ती हूँ, और साथ में मुझे कर्मकांड भी पढ़ाया जाता है, जिसमें मुझे ये सिखाया जाता है कि हम कैसे अपने त्यौहार मनाते हैं, जो हम अपने बर्थडेज मनाते हैं, जैसे हमें हिंदू धर्म के हिसाब से बर्थडे मनाना चाहिए, वो सब कुछ हमें सिखाया जाता है। पूजा कैसे करते हैं उसमें, हम जैसे अपने बर्थडेज पर केक काटते हैं, बट हमें अपने बर्थडे पर पूजा भी करनी चाहिए, वो कैसे विधि विधान करनी चाहिए, वो मैंने यहाँ आके सीखा है। और यहाँ पे मुझे जो गीता के श्लोक्स मैंने पढ़े हैं, जो मैं पढ़ती थी, ऐसे तो हमें स्कूल में भी कभी कभी सिखाते थे, लेकिन हमें उसका मतलब वहाँ नहीं बताते थे, यहाँ आकर उसका मतलब समझ में आया, उसको अपने जीवन में कैसे लाना है, उसको कैसे चलाना है, अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, वो सब कुछ मुझे यहाँ आके पता चला। मेरे को लगभग लगभग 1 साल हो गया, और मुझे अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंसेस दिखे। जैसे कि सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये लगा कि हर बारी किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठ के उस बंदे को सुनो और उसकी बात का क्वेश्चंस का आंसर दो, सॉल्यूशंस दो। और मैं ये तो यही कहना चाहती हूँ कि जितने बच्चे मतलब गीता पढ़ते हैं या गीता पढ़ना होगा पढ़ रहे होंगे, यहाँ आ सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमें सर सिखाते हैं वो बहुत ही डीपली उसका मतलब समझाते हैं हमें उसका। और यहाँ बहुत बच्चे आते भी मेरे साथ पढ़ने के लिए, और वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं, और उनमें मुझे 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 बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं अभी तक। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं इस समय माता सरस्वती पुस्तकालय में हूँ, जो कि जगती में है। जगती जहाँ पर हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित यहाँ पर जो रहते हैं, आप जानते हैं 1990 में जब उन्हें वहाँ से निकाल दिया था, तो उसके बाद यहाँ पर उनकी कलोनी पूरी सेट की हुई है और यहाँ पर ये लोग रहते हैं। जहाँ पर इस समय मैं हूँ, यहाँ पर एक पुस्तकालय है बच्चों के पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आते हैं बच्चे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी है यहाँ पर, उनको और भी अलग अलग जो हैं काम में वो योगदान दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक गुरुकुल की शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर अभी आपने देखा कि बच्चों को किस तरह से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जा रही है, श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग जो हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़े हुए मंत्र हैं उनकी शिक्षा दी जाती है। मेरे साथ यहाँ पर शास्त्री जी हैं जो यहाँ पर इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, साथ में कुछ और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आते हैं इस गुरुकुल में, क्या क्या उन्होंने सीखा, कब से आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। शास्त्री जी आप बताएंगे, यहाँ पर जो ये शिक्षा दे रहे हैं आप गुरुकुल की शिक्षा, तो कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, खास करके अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम बोधराज शास्त्री है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि गुरुकुल की शिक्षा, जैसे शिक्षा तो सभी अध्ययन आज के समय में हर जगह शिक्षा का अध्ययन चल रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारी सनातन शिक्षा है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, वो शिक्षा का अध्ययन हम यहाँ पे इनको करवा रहे हैं। बाकी शिक्षा तो आप एक साधन है, शरीर को चला सकती है, अन्य प्रकार की शिक्षाएं हैं, शरीर का ढंग बदल सकती हैं, रहन सहन बदल सकती हैं, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है इसको नहीं बदल सकती है। इसको बदलने के लिए हमें सनातन शिक्षा, जो विद्या का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, वही विद्या का अध्ययन हम इनको भगवद गीता के माध्यम से करवा रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। बहुत अच्छा। तो बच्चे आते हैं सीखते हैं? हाँ, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की जैसे अन्य व्यवस्थाएं हैं, बच्चे नहीं आ पाते हैं, कुछ बच्चे दूर से हैं, आने जाने का साधन कम है, कुछ बच्चे इसी कैंपस के हैं वो आ जा रहे हैं, लेकिन उनका टाइम हमारे साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, आगे पीछे करके हमको क्लास लेनी पड़ती है, एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। कुछ बच्चों की ट्यूशन्स होती हैं, कुछ बच्चे कहीं जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, इसलिए टाइम एक साथ नहीं मिल पा रहा है, सब बच्चे एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में आ रहे हैं, कुछ सुबह आ रहे हैं, कुछ शाम को आ रहे हैं, जैसे ही समय मिलता है वैसे वैसे बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा, तो मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा।
जो भी यहाँ की पूरी कमेटी है और ख़ास करके हमारा जो कश्मीरी हिंदू पंडित समाज के बारे में जो वेलफेयर के बारे में सोचते हैं उनको, और ख़ास करके यहाँ पर जहाँ पर मैं इस समय पुस्तकालय में हूँ, यहाँ पर हमारे भट्ट साहब हैं, एम के भट्ट जी, जिनको मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जब भी आप यहाँ की कोई चीज़ हो तो हम उसे मीडिया के माध्यम से दिखाएं, तो उनके तरफ से मुझे बताया गया कि हम यहाँ पर गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते हैं धर्म की, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे भी हमने बात की, उनसे भी बात करने के बाद ये अच्छा लगा कि वो बच्चे जो है धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आजकल स्कूलों में तो आप देख ही रहे हैं आजकल क्या शिक्षा कराई जाती है वहाँ पर। आजकल पहले जो होता था वो सब सिस्टम चेंज हो गया है। आजकल स्कूल जो है मॉडर्न इतने ज़्यादा बन गए हैं कि हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म को सब ख़त्म कर चुके हैं। और कई स्कूल तो वैसे हैं जहाँ पर तो आपको क्या क्या सिखाया जाता है मैं आप क्या ही बोलूँ, आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को मैक्सिमम देखिए और जगती के जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को यहाँ पर गुरुकुल में भेजें सनातनी शिक्षा के लिए। धन्यवाद। राम राम।